गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यार ये वीडियो आया तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि मतलब कि इस वीडियो को तो आप लोग डेफिनेटली रिएक्ट करो। तो हमने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, हम लोग करेंगे। हम लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए। तो बहुत ही ज्यादा मतलब दो तीन लोगों की रिक्वेस्ट आई। तो वीडियो का टाइटल है मतलब गुजराती और मारवाड़ी के मतलब सफलता का राज आखिर क्या है, उनके सीक्रेट बताए गए। अच्छा। मतलब क्योंकि गुजराती अपने मोटा भाई हैं, मतलब के मुकेश अंबानी जी हैं, और मारवाड़ी के ये मुझे नहीं पता। तो ये क्या सीन है? तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लिंक मिल जाएगा। गुजरात के तो मोदी जी भी हैं। नहीं वो तो एक अलग है ना। अच्छा। 3-2-1 स्टार्ट। हाँ वैसे बात ही बोली है। गौरव और मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, राधाकृष्ण अडवाणी, करसन भाई पटेल, उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, पंकज पटेल, दीपिंदर गोयल, आदित्य बिरला। अब ये सब सुन के आप ये मत समझना कि माझा डोका फिरला। बट सीरियसली यार, मैं ये सारे नाम आखिर क्यों ले रहा हूँ? अच्छा। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने अरबों से बरसों तक की कहानी लिखकर इंडिया के इतिहास में खुद के नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। अच्छा। अच्छा। क्या आपने एक चीज नोटिस की, ये सारे लोग या तो गुजराती है या तो मारवाड़ी। हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल। वो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पूरे भारत देश के टॉप 10 में से 5 बिलियनर्स गुजराती कम्युनिटी से है। पांच गुजराती पे है, क्या बात कर रहे हो? अमीर तरीन बिलियनर्स एक स्टेट से और बाकी 50 दूसरे शहरों से आते। अच्छा। आखिर भगवान ने इनके खून में कौन से बिजनेस टैक्टिक्स का इंजेक्शन लगाया था जो ये सब आज इस मुकाम पे? बिल्कुल। वेल, अब इसमें भगवान का कितना हाथ है ये पता करना जरा मुश्किल है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि गुजराती मारवाड़ी आज से नहीं तब से बिजनेस के धंधे में है जब पहली सिविलाइजेशन बनकर खड़ी। बहुत पुराना। आपको भी जानना है इनका सीक्रेट टू सक्सेस और बनना है बिलियनर या फिर मिलियनर, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाइटल्ड सीक्रेट्स ऑफ गुजराती मारवाड़ी सक्सेस। अब फ्रेंड्स, कहानी को ना शुरू से यानी कि इतिहास से शुरू करते हैं। तो ये तो आज हम सभी जानते हैं कि गुजराती गुजरात स्टेट से आते हैं जिनके पास 1600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। अच्छा। क्या आपको पता है मारवाड़ी नामक कोई कास्ट अंग्रेज जो हमारे भारत में 24 अगस्त 1608 को आए थे, उनके आने के पहले नहीं थी? अच्छा। बल्कि मारवाड़ी उन व्यापारियों को बोला जाता था जो लोकल्स की कम्युनिटीज और लैंग्वेज को शेयर नहीं करते थे और लोगों को ठगते थे। जो कास्ट सिस्टम, उसके मुताबिक व्यापारी वैश्य वर्ण में आते थे क्योंकि तब लोगों की जात उनके नाम से नहीं पर उनके काम से जानी जाती थी। पर मारवाड़ियों के वैश्य वर्ण होने के बावजूद 17 सेंचुरी के दौरान ये मुगलों के बैंकर्स और फाइनेंसर्स बनने लगे। अच्छा। 19 सेंचुरी आते आते ये लोग हुंडी सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे थे जो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज बिक्री करते थे। पैसे देने के बजाय एक पर्ची थे जिसे उस इंसान को पर्ची में लिखे व्यक्ति तक लेकर जाना होता था और वो इंसान आपको पैसे देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम बैंक में किसी और का चेक डालते हैं तो बैंक हमें लिखी हुई अमाउंट दे देती है। इसके इस्तेमाल से कानपुर का व्यापारी कोलकाता के व्यापारी से बिना किसी कैश और बिना किसी गड़बड़ होने की शंका के व्यापार करता था। अच्छा। वर्ल्ड वॉर 1 तक जो मारवाड़ी इंडिया का ज्यादातर इनलैंड ट्रेड संभाल रहे थे, वॉर के बाद इन्होंने अपना ध्यान इंडस्ट्रीज की तरफ मोड़ दिया। 1970s में इंडिया के ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एसेट्स को कंट्रोल करते करते 2011 में फोर्ब्स लिस्ट के बिलियनर्स में से 1/4 मारवाड़ी ही थे। अबे एक चौथाई मारवाड़ी हो गए। पहचान तो आपको ये जानकर होगी कि गुजराती और मारवाड़ी आज से नहीं एंशियंट टाइम से ही धंधे के मामले में सबसे कारोबार में बिजनेस की खबर दुनिया को 1954 से 1963 के बीच में SR राव की एक डिस्कवरी में चली जिन्होंने गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथाल पोर्ट सिटी को ढूंढ निकाला था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकलौता पोर्ट वाला शहर था, यानी वहाँ गुजरात के उस हिस्से में बसने वाले सिविलाइजेशन की नींव रखने के बाद ही से दूर दराज पे लोग पैदल करते थे ना। बिल्कुल। और इनके इसी पुराने इतिहास का नतीजा है कि व्यापार और धंधा आज गुजरातियों और मारवाड़ियों के खून में बस चुका है। पर अगर आप गुजराती या मारवाड़ी नहीं हो तो भी फिकर नॉट मोटा भाई, क्योंकि अब मैं आपको इनके ब्रेन में डेवलप हुए वो सारे सीक्रेट रूल्स ऑफ डूइंग धंधा बताऊंगा जिन्हें जानकर आप भी सेठ बन सकते हो। तो इन दोनों ही कम्युनिटीज का माना जाने वाला सबसे पहला सीक्रेट रूल है नो जॉब ओनली बिजनेस। ओनली धंधा, बड़े से बड़ा हो अपना जॉब नहीं। इनका ये मानना है किसी की नौकरी करने से अच्छा अपना बिजनेस हो। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको अमेरिका में गए गुजराती डॉक्टर की कहानी से देता हूँ। तो भूपेंद्र पटेल 1971 में अमेरिका गए थे। अच्छा। और वहाँ जाने के बस एक ही साल पहले वो डॉक्टर बने थे।
अब अमेरिका में वो गए, उन्होंने 4 साल तक वहाँ दिल लगाकर प्रैक्टिस की अच्छा। और बस तुरंत अपना खुद का क्लिनिक खोलकर बैठ गए अच्छा। जबकि कई कई डॉक्टर्स को इस प्रैक्टिस में 7 साल जितना समय लग जाता है। पर ये झटके का काम फटके में करना सिर्फ डॉक्टर भूपेंद्र को ही नहीं हर एक गुजराती और मारवाड़ी को आता है। दिमाग तेज है, बिल्कुल डालना भी एक मिड लेवल मैनेजमेंट जॉब से बेहतर लगता है, क्योंकि उनके मुताबिक जीवन का असली सच धीरूभाई अंबानी का ये शब्द ही है, अगर तुम अपने सपने खुद पूरे नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। और इस बात को साबित कराने के लिए हमें दिया बाती लेकर दुनिया में इसका एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हमारे देश के पीएम को ही देख सकते हो जिन्होंने शुरुआत चाय की टपरी से की, लेकिन आज पूरे इंडिया की पावर उनके मुट्ठी में ही है। पर ये यूं ही बिजनेस के पीछे नहीं भागते। गुजराती में एक कहावत है कि किसी भी बिजनेस को सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने में 3 साल यानी 1000 दिन लगते हैं, और इसीलिए ये अपने किसी भी स्टार्टअप को 1000 दिन देते हैं जहां ये एड़ी चोटी की जोर लगा देते हैं, पर अगर ये फेल हो जाते हैं तो 1000 दिनों के बाद धंधा चेंज। और अब बारी आती है दूसरे सीक्रेट रूल की, जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग विद फास्ट कैश बिजनेस। हमेशा ही ऐसे बिजनेस में देखोगे जहां बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला हो लेकिन कैश फटाफट आकर इनके गले में गिरता हो। मतलब सीधे सीधे बोले तो डेली यूज होने वाले सामानों का धंधा पानी इनके बीच वर्ल्ड फेमस होता है, जैसे अच्छा। कपड़े, चप्पल, राशन पानी या पाउडर क्रीम। भाई रोज कुछ ना कुछ जाए लाज। फॉर एग्जांपल तो आपको इसी बात से मिल जाएगा कि आज पूरे देश में लगने वाला 1/4 दूध लोगों के घर तक गुजरात से ही आता है। पूरे देश में 25% मैन्युफैक्चरिंग होती है, पर गुजरात ऐसा स्टेट है जहां 40% गुजरात बहुत आगे है यार। लेकिन ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। पता है दुनिया में मिलने वाले 10 में से 8 हीरो की पॉलिश कहाँ होती है? ऑफ कोर्स गुजरात में। 5% गुजराती पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया के 1/4 एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी किसके सर पर है? गुजरात के। और इतना सब के बाद तो आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गुजरात हमारे देश में मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है, जो अगर एक स्टेट ना होके कंट्री होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद दुनिया का 3रा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होता। अच्छा। और ये सीखने के लिए गुजराती और मारवाड़ी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते, उनके लिए इस्तेमाल होता है सीक्रेट टूल नंबर 3 यानी अर्ली ट्रेनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस उजू और मारवाड़ी पेरेंट्स खुद तो बिजनेस करके सक्सेस पाते ही हैं, ये अपने बच्चों को भी बचपन से ही बिजनेस में लगा देते हैं ताकि अच्छा। बड़ा होने तक पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें बिजनेस की ABCD Z तक याद हो जाए। और कितनी काम आती है ये तो आपको बिरला ग्रुप के चहीते चश्मो चिराग को देख कर ही पता चल जाएगा। तो एक दिन GD बिरला ने अपने 13 साल के बेटे BK बिरला को अपने पास बुलाया और अपने तरफ से कुछ पैसे उनके हाथ में थमा कर कहा कि आज से उनको अपने खर्चे का इंतजाम खुद ही करना है, उन्हें कोई पैसा नहीं दे। अब बच्चा होता तो उसकी अपने पिताजी से लड़ाई हो जाती, लेकिन BK बिरला ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया। उन्होंने अपने पिता के पास काम करने वाले स्टॉक ब्रोकर को बुलाया और फिर उससे अपने पैसों को स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है ये पूछा। और बस 13 साल की उम्र में BK बिरला ने पहली बार 4000 कमा लिए। 15 साल की उम्र में खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया और 18 साल की उम्र में लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाकर दुनिया भर में अपने बिजनेस के लिए जाने जाने लगे। पर सिर्फ पापा के पढ़ाए हुए लेसन से ही नहीं, ये लोग अपनी मेहनत और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की काबिलियत यानी सीक्रेट टूल नंबर 4 से भी काम लेते हैं। हालांकि उनकी स्किल को डेवलप करने का श्रेय भी इनके बापूजी को ही जाता है, जो अपने बच्चों को पैसे की सही वैल्यू समझाकर उन्हें कड़ी मेहनत और लगन का पाठ पढ़ाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सावजी ढोलकिया यानी वो डायमंड मर्चेंट जो अपने एम्प्लॉइज को कार और बेनिफिट्स पर बेनिफिट्स बताते फिरते थे, उन्होंने अपने 21 साल के बेटे द्रव्य को सिखाई थी। और ये सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को कोची भेज दिया, जहाँ उन्हें ये कहा गया कि उन्हें बिना अपना नाम इस्तेमाल किए खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है और पैसे कमाने हैं। सावजी ढोलकिया के मुताबिक अपना लाइफ किसी स्कूल में नहीं सीखने को मिलते। यही वजह है कि ये लोग पैसे की वैल्यू को समझकर हर जगह जहाँ कहीं इन्हें पैसा कमाने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहीं पर पहुँच जाते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा बिजनेस तभी तो कामयाब है, कामयाब है बिल्कुल इसी वजह। और इनका आखिरी और नंबर 5 सीक्रेट रूल यही है कि हमेशा अपने रूट से कनेक्टेड रहने के साथ ही पैसे को लेकर जितने क्लियर रहते हैं उतने ही ज्यादा ये कम्युनिटी की तरफ जिम्मेदार रहते हैं। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि ये पैसों के मामले में कितने ज्यादा पक्के होते हैं। मतलब ये अपने रिश्तेदारों से क्या, अपने बच्चों से भी पैसे देने
करने पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं और इनकी सारी इन्वेस्टमेंट हमेशा ही रिस्क और प्रॉफिट के बेसिस पर ही होती है। इसके साथ आपने ये भी जरूर देखा होगा कि ये पैसे के मामले में पक्के होते हैं, लेकिन रिश्तेदार से लेकर हर एक की मदद के लिए ये अपना हाथ जरूर बढ़ाते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए पैसे भी देते हैं। आज रतन टाटा से अंबानी जिसका नाम ले लो, ये सारे बिलियनर्स समाज की भी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत करते हैं यार, बहुत करते हैं। यानी मैं आगे दुनिया पीछे के बजाय इनका आगे बढ़ना और सभी को आगे बढ़ाने का रूल होता है। तो मतलब अब आप गुजराती हो या मारवाड़ी या कोई भी और कास्ट के, अगर आप ऊपर बताए रूल को फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल जरूर होगा। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ये सारे ही रूल आपको आपकी लाइफ को जीतने में भी उतने ही काम आएंगे और आपको अपने करियर में भी आगे बढ़ाएंगे। तो इनमें से कौन से सीक्रेट रूल की आपको पहले से ही खबर थी या आप इन रूल्स में से? तो इधर हो ये वीडियो खत्म यार, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई गुजराती और मारवाड़ी सीधी सी बात है, कहते हैं कि भाई नो जॉब ओनली बिजनेस, अगर बिजनेस में नुकसान है कोई नहीं, बिजनेस खत्म करो, तीन साल देखते हैं उसको खत्म करो फिर दूसरा देखो ना। ये भाई कारोबार ही जैन है ना, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं कारोबार, वही ना कारोबार को देते। बच्चों को मतलब के बचपन से कारोबार कर सिखाते, बेसिक साथ पढ़ाई भी कराते हैं, साथ कारोबार की तरफ जो अपना उनका कारोबार तो उस तरफ ध्यान भी देते, और फिर देखो बड़े होके क्या क्या वो चीजें बनती हैं। और गुजराती तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब के गुजरात के अंदर पूरे इंडिया का 25% मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे 25% हो रही है, 10 में से 8 डायमंड तराशे गुजरात में जाते हैं। बहुत ज्यादा है यार, गुजरात बहुत आगे है ना, और सारे कारोबारी बिल्कुल, और पीएम मोदी जैसा वहां पर इतना कामयाब शख्स वहां पे निकला जो आज पूरे इंडिया को बिल्कुल देखो ना, बेचते बेचते किधर पहुंच गए गुजराती है, ये होती है सक्सेस। और इसमें कोई शक नहीं, गुजराती और मारवाड़ी बहुत ही ज्यादा अमीर है, रतन टाटा को देख लो, अंबानी को देख लें, बिरला ग्रुप को देख लो आप लोग, इन्होंने थोड़े से कारोबार से शुरू किया भैया, ये सदियों से ये गुजरात से ये चीज चली आ रही है बिल्कुल, और मारवाड़ी जो लोग हैं सदियों से ना ना। और जिस तरह भाई वो एक बीच में थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम अपना नाम यूज किए बगैर तुम अपने आप कदमों पे खड़े होंगे, देखो ना, और वो फिर बिल्कुल अपने कदम में खड़ा भी हुआ बिल्कुल। और फिर एक था जो मतलब 13 साल की उम्र में उसको बोला कि इनके भैया हजारों साल से पहले ये ऐसे होता था ना, कारोबार करते थे ये, पैदल चलते थे और पैदल चल के दूसरे शहर में चीजें पहुंचाते थे। वो तो है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन आजकल का तो भाई इनको देखे ना क्या कामयाबियों की बंजर को छोड़ अरबों डॉलरों इंडिया के अंदर, मतलब के मतलब टोटल 10 जो खरबपति जो अरबपति है उनमें से 5 तो गुजराती है, देखो ना अंदाजा लगा पहुंच गए, कारोबार मेहनत लगन और इनके जो सीक्रेट है वो तो बिल्कुल सही, मदद में भी ये बहुत ज्यादा आगे आते हैं, इंडिया के बहुत से वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं, बहुत लोगों गरीबों की मदद कर रहे हैं। गुजराती में कहते लोग अच्छे हैं, मतलब ये कि थोड़ा पैसे को पक्का रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कहते जब मदद का टाइम आता लोगों की खुल के मदद करते हैं बिल्कुल। और ये इसमें कोई शक नहीं, जो सक्सेसफुल है ये इसी वजह से क्योंकि इनका माइंड ही बिजनेस, इनका माइंड ही चलता है बिजनेस की वजह से, इनको नौकरियों का कोई नहीं है, पैसे के बहुत पक्के होते हैं, ये फजूल पैसे खर्च नहीं करते, उस चीज पे करते हैं जिसमें नफा हो, यानी इसको प्रॉफिट इन्वेस्टर करते हैं जिधर नफा हो, प्रॉफिट का नुकसान कम हो, नुकसान बिल्कुल कम हो। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, आप लोग कहां कहां से गुजरात से हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, तो केम छो तो मजा, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।